बड़ी फरमाइश के बाद हमें ये वाला नहीं मिल रहा अंगोरा के, ये जो ये है ना ये वाला छोर मियाँ वाली नस्ल इसके पीछे। अच्छा वो देखो ये बिल्ली आई हुई, ये देख रहे हो ये बिल्ली आती है हमारे घर, ये खा पी के जाती है। ये लो तुम्हारे लिए और खाना लाया मैंने। बट ये दो बच्चे हमारे आज मरे हुए हैं यार, मुझे काफी अफसोस भी हो रहा है क्योंकि ये वाला मुझे सबसे प्यारा लगता था हमारा ब्लैक वाला। अस्सलामुअलैकुम, तो कैसे हैं सब लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। यार पिछली वीडियो पे रिएक्शन अच्छा था हमारे जो चिक्स केयर चैलेंज वाला पार्ट वन था, तो उम्मीद है कि यार जल्दी हम पार्ट टू बनाएं, पार्ट थ्री भी बनाएं, जिस तरह उनके स्टेजेस बढ़ते जाएं तो उनके साथ साथ हम पार्ट्स भी बनाते जाएंगे। बट उसके साथ साथ आज हमारे सेटअप के अंदर काफी क्या कहते होते हैं बुरी खबर है, वजह से यार मुझे काफी दुख हुआ है, वो मैं आप लोगों को भी बता दूं। सुबह के टाइम जब मैं यहाँ पर आया तो आगे से ये भी हटा हुआ था सारा कुछ, ठीक है, और इसके आगे से ये बिल्कुल, मतलब ये कि यहाँ से ना ये वाली हरगोशनी हमारी जो क्वीन है ये बाहर आई हुई थी इधर से, तो मैंने कहा यार चलो जी आज फिर हमारे साथ काम लग गया। अभी यार मैं इधर आया हूँ, इधर आके मैंने क्या खाना पीना डाला है और उधर मैं पीछे गया, मैंने कहा यार छोटे छोटे जो इनके बच्चे थे हमारे प्यारे प्यारे जैक और बबली वो दोनों इधर हैं, तो इनका खाना पीना डाल के मैं काफ़ी देर इधर बैठा रहा हूँ क्योंकि अक्सर यहाँ बैठा रहता हूँ, यहाँ इनका खाना पीना डाल के हम यहाँ बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर आके बैठ के मैं देख रहा हूँ यार वो बाहर ही नहीं आ रहे, बाहर ही नहीं आ रहे, तो जब इधर से खोल के मैं अंदर गया हूँ तो हमारे दोनों बच्चे मरे हुए थे, एक ये भी मरा हुआ है, ये भी मरा हुआ है, ये पता नहीं कैसे मरे हुए हैं, इनके दांत छान सारे बाहर आए हुए हैं डर की वजह से, पता नहीं है कि किस चीज़ की वजह से। मुझे लगता है रात को फिर बिल्ली चली आई होगी यहाँ पर आके बैठी होगी, क्योंकि सुबह मैं आया था ये इस तरह हुआ हुआ था, ये देखो वैसे ही होता है इस तरह अंदर होके ना, ये अंदर हुआ होता है तो ये भी बाहर हुआ हुआ था और ये आगे हटा हुआ था, मतलब ये कि बिल्ली चली रात को फिर आई है और उसने शायद इनको डरा के मारा है या कैसे मारा है, जैसे भी मारा है। बट ये दो बच्चे हमारे आज मरे हुए हैं यार, मुझे काफ़ी अफसोस भी हो रहा है क्योंकि ये वाला मुझे सबसे प्यारा लगता था हमारा ब्लैक वाला जैक, और ये वाला उससे भी प्यारा था, बट दोनों को शायद क्या, बट क्या कह सकते हैं यार, दोनों मरे हुए मिले मुझे। अब मैं क्या करूं यार, मुझे समझ ही नहीं आ रही क्या करूं क्या ना करूं, इतने प्यारे प्यारे हमारे ये क्वीन के बच्चे थे और दोनों एक साथ ही मर चुके हैं, एक पहले बिल्ली खा गई थी, दो अब चले गए यार, ये फिर से अकेले हो गए, क्या बनेगा यार तुम लोगों का, अपने बच्चे नहीं पाल सकते तुम लोग, हालांकि ये काफ़ी बड़े हो चुके थे यार, खुद भी खाने लग गए थे फिर भी ये नहीं पाल पाई इनको। पहले थे वहाँ पर से एक रात को निकल के मर गया, मतलब उसको बिल्ली खा गई, एक दूसरा था वो बच गया था, तो उसके बाद जब हमने यहाँ शिफ्ट किए तो यहाँ पर आके दोनों एक साथ ही मर गए, समझ ही नहीं आ रही यार क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। आज हमने इधर से टाइगर को भी निकालते हैं बस, क्योंकि मादी फिर से तनकी शनकी जमा करना स्टार्ट हो चुकी है, वो देखो पीछे पड़े हुए हैं हल्के फुल्के नाराटे, तो पता चली है देखो एक पार पड़ा हुआ है, उसके साथ छोटी छोटी और चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो इधर से भी हमने इसको उठाना है ताकि यार ये दोबारा से अपनी ब्रीड दे सकें। ये हमारे पाँव में आ गया बार बार, वो देखो कैसे घूम रही है, सारा इसके ऊपर से कलर शलर उतरता जा रहा है, पता नहीं किस चीज़ का इसके ऊपर कलर आ रहा है। यार अब चलते हैं साग के सेटअप में, मैंने कहा था यार हमारे पास अपने दो हमारे रैबिट के बेबीज होंगे और एक दो में उससे ले आऊंगा, क्योंकि उसके पास माशाल्लाह से काफी सारे हुए हैं, अंगोरा रैबिट है उसने ब्रीड कर दी थी, तो मेरा दिल ये कर रहा था कि यार हम एक दो अंगोरा रैबिट के बेबीज ले आए, तो अब हमारे पास एक भी बेबी नहीं, अब हमें उसके नहीं, अगर दूसरे वाले के भी मिलते हैं तो वो ला के मैं ले आता हूँ, क्योंकि साग के पास भी इसी तरह का पैर है बट उसके पास ब्रीड कर चुके हैं, तो अब मैं चलता हूँ साग के सेटअप के ऊपर, वहाँ पर जाके आप लोगों को मिलता हूँ, वहाँ से जाके फिर हम एक दो अगर हमें रैबिट के बेबीज उससे मिलते हुए तो उठा के हम ले आएंगे। ठीक ठाक, अब तीस नौ बड़े खुश खुश नजर आ रहे हो। खुश तो नहीं यार, फेस बना लिया है अभी, क्या बताऊं, आपको खुद पता है क्या हुआ है। यही बात है, कोई मसला नहीं है, पहुंच आए इसके सेटअप के अंदर माशाल्लाह से, इसके पास ये चेक करो, हाय 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 हाय, इसकी वीडियो देख देख के मेरा दिल कर रहा था यार हमारे पास कब आएंगे, बट नहीं आया हमारे पास, तो यहाँ वालों से गुजारा कर लेते हैं। बाकी इसने न्यू कुछ सेटअप मेटअप बनाया यार, ये देखो वहां पर है साग, सारा माल मवाद, सारा माल यहाँ पे, एक बोर अभी घूम रहा है बाहर, आये हाय हाय, एक बोर और एक ये रहा, ये क्या चीज, हाँ यार सीजन मैंने देखे है, बड़ी खुशी हुई है मुझे इनके पास खुले हुए हैं, ये घूमते अलादा ही हैं, मतलब ये जोड़े में साथ घूमते हैं ना, इनके साथ तो नहीं घूमते, हाँ ये उनको मारते हैं और वो आगे से मार खाते हैं। ये एक भाई हमारा छोपर है, बोलते मुझे वीडियो में नहीं लाओ, पता नहीं क्यों इधर आज हमारे साग के प्लाट में रौनक लगी हुई है, रौनक पतंगे पतंगे उड़ी है, ये देखो ये हमने ये लेके जाना है, हम ये इधर से प्यारे प्यारे दो तीन उठा के लेके चलते हैं ताकि यार थोड़ा बहुत अच्छे हफ्ते सेटअप के अंदर भी यार प्यारे प्यारे अंगोरे घूमे अंगोरे। ये पीछे आगे जो हमारा फील मियाँ वाली नसल,
बड़ी फरमाइश के बाद हमें ये वाला नहीं मिल रहा अंगोरा के, ये जो ये है ना ये वाला छोर, कोई बात नहीं यार खैर है, तो इस वाले को हमने छोड़ दिया है जी। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस थी, ये था वो था पीछे एक एक ये बाटिया, मर्जी ले जाओ निकालो वाले। अब एक ये बाटिया के पापा पकड़ा हुआ, ये पता नहीं इसकी मसाज करने में लग गए। बाटिया मसाज कर रहे हो? नहीं मैंने मसाज सेंटर नहीं खोला। अच्छा मसाज सेंटर खोल दिया इसने, ठीक। और एक हम ये वाला इसे लेके जा रहे हैं क्योंकि व्हाइट मुझे पसंद है, तो वो उन व्हाइट की हमें ना हो चुकी है, तो अब ये लेके जाएंगे हम। एक ये वाला प्यारा सा चीना खरगोश, ये वाला और एक ये वाला अबशी और चीना। इसका नाम अबशी रख ले, इसका नाम चीना, आसमान चीना। तो एक ये आ गया, एक ये आ गया, दो आ गया। क्यों साहब एग्री हो? खुशी देख रहे हो इसकी खुशी? चलो यार लेके चलते हैं अब हम। तो यार फाइनली हम अपने प्यारे प्यारे रेबर्ड के बेबीज ले आए हैं साथ, हम आज साग को भी अपने सेटअप पे ले आए हैं, मजे से बैठा हुआ है साग। हो रहा साग कैसे हो, आ गया आज? ये काफी अच्छे के बाद हम इसको अपने सेटअप के अंदर लेके आए हैं, मैंने कहा थोड़ा सा दीदार करा लें इसको भी। तो यहाँ पर ये जी हमारा सिम्बा और क्वीन, जो हमने प्यारे प्यारे इनके बेबीज लाए हैं, वो उधर पीछे चले गए अभी वहाँ जाके बैठ के। तो उधर हमने दो तीन बाल्टियों का और बंदोबस्त करना है। साग ने भी कहा यार थोड़ा सा सुरंग वगैरह बनाओ इससे कि यार वो आपके पास ब्रीड अच्छे करेंगे। एक अच्छी बात इनकी है कि यार ये लोग जो है ये गंद एक साइड पे करते हैं। यहाँ पर हमने कल इनके आगे डाली थी क्या कहते हैं घास डाला था मैंने, और पीछे इनकी ज़रा नेस्टिंग चेक करो। अभी ये आगे ये खड़ा हुआ है हमारा शेरू, हटाए शेरू, इनकी पीछे नेस्टिंग चेक करो। इन लोगों ने कल इधर दोबारा से नेस्टिंग भी बना दिए क्योंकि यार मुझे पता था मादी आई हुई है अंडों के ऊपर, तो थोड़ा बहुत तो उनके लिए लाना पड़ता था, जिसकी वजह से यार वो दोबारा नेस्ट करें। तो इंशाल्लाह आज या कल में हम इधर से प्यारा सा बेबी निकाल लेंगे। साग तुमको चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना, ओके ठीक हो गया, बस इसने ना कर दिए। यहाँ पर जो हमारा ये जो टाइगर है इसको उठा के हम उस वाले पिंजरे में शिफ्ट करेंगे क्योंकि यार ये उड़ता है, इसके साथ का एक और उड़ने वाला वहाँ पर है, उधर से उसको उठाएंगे, इधर से इसको उठाएंगे, दोनों को हम छोड़ेंगे उस केज के अंदर क्योंकि वो केज माशाल्लाह आजकल यूज़ में नहीं है। तो है माशाल्लाह हमारा काफ़ी खूबसूरत केज है, पहले सारे हमारे कबूतर इधर हुआ करते थे, तो इसके अंदर ला के हम छोड़ देंगे ताकि यार बच्चे बच्चे जो हैं वो सारे इधर हों, क्योंकि पता ही है माशाल्लाह हमारे पास ब्रीड आजकल बहुत ज़्यादा आई हुई है माशाल्लाह से। तो इंशाल्लाह कल या परसों हम इनको खोलेंगे भी ताकि यार वो लोग बाहर आए नहाए पिए और अपने आप को सेट करें। तो यहाँ पर ये साग क्या कहते हो आप, जाए चलते हैं? तो अब ये क्या चलते हैं, बाकी चैनल पर नहीं चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना यार। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और साग का जो न्यू चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कर देना यार, वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इसके पीछे अच्छा वो देखो ये बिल्ली आई हुई, ये देख रहे हो ये बिल्ली आती है हमारे घर, ये खा पी के जाती है। ये लो तुम्हारे लिए और खाना लाया मैंने।